हेलो एवरीवन, गिल्स मेंटोर लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज सबसे बड़ी न्यूज जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वैकेंसीज के बारे में जो आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं। आज हमको देखने को मिलेगा हम सभी को कि बहुत खासी हमारी वैकेंसीज जो हैं, अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो आउट हुई है। डन, अलग अलग फील्ड में आउट हुई है, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने ही आउट की है। डन, ओके। तो ये आपको बता दूं, एक आउटसोर्सिंग बेसिस पर होगी ये वैकेंसीज और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी, कुछ आउटसोर्सिंग बेसिस पर भी होंगी, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। डन, ओके। सो आपको बता देता हूं कि जो ये एप्लीकेशन अलग अलग फील्ड में मंगाई गई है वो ऑफलाइन मोड है, यानी कि आपको एप्लीकेशन भरकर यानी कि एक प्रॉपर फॉर्म में है ना, तो उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट अटैच कर इस जगह पर भेजना होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। रजिस्टर्ड पोस्ट होगी और आपको मैं जगह बताऊंगा कहां पर आपने भेजना है। सबसे पहले ये जान लो कि इन एप्लीकेशंस के लिए जो ऑनलाइन मतलब टाइम है जो आपको बता दूं वो है 10 AM ऑफ 17 फेब से लेकर 5 PM 24 फेब, यानी कि कल तक आप ये अप्लाई कर सकेंगे इन प्रोसेस के लिए जो मैं आगे बताऊंगा आपको। डन, सो आपको ध्यान में रखना है। तो आगे बात कर लेते हैं वो उन वैकेंसीज के बारे में, तो इनको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। तो आपको देखोगे एक पोस्ट हमारे रेडियोग्राफर की 6 पोस्टेस है, ओके, ये आउटसोर्सिंग बेसिस ऊपर है। डन, और थिएटर असिस्टेंट की है 26 पोस्टेस है, पोस्टमार्टम असिस्टेंट की है 28 पोस्टेस है, और लैब टेक्नीशियंस की है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऊपर है, और लैब अटेंडेंट की है आपको 4 पोस्टेस देखने को मिलेंगे। ये आपकी सैलरी होगी। डन, ये एज डिफाइन है। डन, ओके, ये आप देख सकते हो, ऐसे ही आपको सभी पोस्टेस देखने को मिलेंगी। टोटल 171 पोस्टेस हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, ये आप देख सकते हो। इन वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, इनके लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन बता रखी है, इन सभी के लिए आप देख सकते हो। आपको BA, BCS, ठीक है, BSc, BCom पास आउट होने चाहिए। डन, और आपके पास एक ट्रेनिंग सर्टिफाइड भी होना चाहिए, ये आपको बाद में रखना होगा कि इसी फील्ड में आपको फिजियोथेरेपिस्ट के फील्ड में आपकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। देन उसके लिए आपकी जो सैलरी होगी ये होगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आप रेडियोग्राफर में जाना चाहते हो तो उनके लिए आपको बता दूं, आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री हो, साथ में आपका कुछ एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। देन वैसे तो इससे डिग्री के साथ ही आप अप्लाई कर सकोगे, और आपकी जो सैलरी है 21,500 होगी। उसके थिएटर असिस्टेंट के लिए आपको 5 ईयर का नर्सिंग एक्सपीरियंस, और आपको बता दूं और आपकी 10th पास होने चाहिए, आपकी सैलरी ये होगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। पोस्टमार्टम के लिए आप 10th पास होने चाहिए और आपका 15,000 सैलरी होगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लैब टेक्नीशियंस के लिए, देन ओके, तो आपका जो 12th लेवल है उसमें आपका मिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपको बता दूं आपको इनमें से कोई भी डिग्री हो चलेगा, और साथ में आपके पास सर्टिफाइड भी होने चाहिए आप। देन आप लैब टेक्नीशियन कोर्स में आप सर्टिफाइड होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऊपर है 28,000, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। देन ऐसे ही आपको सभी पोस्ट देखने को मिलेंगी, ये आप देख सकते हो। डन, ओके, सो काउंसलर की जो पोस्ट है, डन, ओके, जो वो भी देख सकते हो आप, आपके पास डिग्री हो वो भी चलेगा, उसकी सैलरी भी आप देख सकते हो। डन, ओके, सो ऐसे ही आपको सभी पोस्ट देखने को मिलेंगी। इसके लिए मैं आपको फुल PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा तकरीबन 1 आवर के बाद, आप जाकर वहां पर आप डिटेल से और जान सकते हैं कि आप किस एप्लीकेशन के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं। बाद में इस एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेगा कि वैकेंसीज किस प्लेस की हैं, उस आंध्र प्रदेश के किस प्लेस में आपको सभी वैकेंसी देखने को मिलेंगी जहां आप अप्लाई कर सकोगे इस पोस्ट के लिए, यहाँ यहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। टोटल हमारी लैब टेक्नीशियन 22 पोस्टेस हैं, मगर उनको उन्होंने डिवाइड कर दिया है कि किन किन एरिया में आप अप्लाई कर सकोगे, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। डन, ओके, सो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी रिजर्वेशन के बारे में वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैंने जनरली आपको बता दिया। फीस जो है वो है, अगर बात करें हम तो आपको जो OC कैंडिडेट्स हैं वो 300 है, SC ST के जो हैं EW कैंडिडेट्स हैं वो हमारे 200 है, यानी कि OC मतलब अदर कैटेगरी, जो हम अदर जनरल कैटेगरी की बात करें। डन, सो जो क्राइटेरिया रहेगा एग्जाम का वो रहेगा 75 मार्क्स का। डन, ओके, तो बाकी आपका एक्सपीरियंस, आपका एरिया भी आपके मार्क्स डिफाइन करेगा। डन, ये आप देख सकते हो, अगर आप ट्राइबल एरिया से हो तो 2.5 मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स होंगे आपके रूरल एरिया के, 1 मार्क्स होंगे आपके अर्बन एरिया के। डन, ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आपका एक्सपीरियंस जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आउटसोर्सेस के बेस पर आपका जो एक्सपीरियंस है, अगर आपका रूरल एरिया पर है आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं, अर्बन एरिया में आपका एक्सपीरियंस है 1 मार्क्स हो सकता है, ट्राइबल एरिया में आपका एक्सपीरियंस है 2.5, यानी कि उस एरिया में आपने इस फील्ड के लिए जो भी काम किया है आपने। डन, उसके बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, डन, क्वालिफिकेशन में,
ठीक है, क्वालिफिकेशन के बाद में जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं, डन, ये बात आपको ध्यान में रख सकते हो, टोटल डन। सो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। सो जो टेन्योर है अपॉइंटमेंट का, वो डिसाइड करेंगे वहां की अथॉरिटी से डिसाइड करेंगी, जो आउटसोर्सेस के बेस पर है। वैसे नॉर्मली इनिशियली हम 1 ईयर का देखते हैं, बाद में इसे एक्सटेंड किया जा सकता है जैसे जैसे परफॉर्मेंस के बेस पर, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, डन। ओके, सो ये थी हमारी न्यूज आज की। तो आपको क्या करना है, इन पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा इस वेबसाइट से, डन, आप डाउनलोड कर सकते हो, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, डन। ओके, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वो वहां से आप देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, या फॉर्मेट देख सकते हो, डन। तो ऐसे ही आप अप्लाई कर सकते हो, डन। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।